रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ट्रैवल विद जवाद में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये देखें जी, आज हम सरसों के खेत में मौजूद हैं, मतलब के सरसों का जो साग होता है, खूबसूरत फूल लगे हुए हैं पीले पीले से, ठीक है। तो पाकिस्तान की ये देखें कितनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। इस ज़मीन में देखें अल्लाह पाक ने नेमत के तौर पे चार मौसम दिए हैं, ठीक है। तो बस इंसान ना शुक्रा हो जाता है। तो आज आपको विज़िट करवा रहे हैं जी, ये देखें ये सरसों के फूल खिले हुए हैं, ठीक है, साग है और बाकी ये नीचे छोटा छोटा साग लगा हुआ है। हम आपको विज़िट करा रहे हैं, गांव का एक मंज़र, खूबसूरत सा गांव का मंज़र है। तो मेरे चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहा करें। तो जनाब ये सर्दियों की ये एक बहुत, ओह नीचे तो बहुत ज़्यादा पानी है, सर्दियों की ये बहुत खूबसूरत सी सुबह है। तो जनाब मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ ये इसके अंदर खेत का, ये सरसों का ये पौधे उगे हुए हैं सरसों के। ये देखें, आपने अक्सर ये देखे ही होंगे लेकिन मैं आज अंदर जाके इनका विज़िट करवा रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह ये कितने बड़े हो गए हैं, ये देखें, वेरी गुड। ये देखें सरसों का ये पौधा है जिसको हम साग भी बोलते हैं, साग। देखें जी खूबसूरत पाकिस्तान की कितनी खूबसूरत ब्यूटी है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जी तरसते हैं जी वो फॉरेन कंट्री में सूरज भी बहुत वो लेट लेट निकलता है। बाज़ तो ऐसे इलाके हैं जहाँ तरस जाते हैं लोग जी सूरज के निकलने को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में चार मौसम हैं, ठीक है। इन चार मौसमों का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए काश्तकारी अगर की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन ये लोगों की खुद की गई ये मुसीबतें आ जाती हैं जो कि अल्लाह पाक नाजल फरमा देते हैं, ये लोगों के अमाल ही होते हैं। लेकिन जनाब बात ये है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और पाकिस्तान इतना ज़रखेज़ मुल्क है कि जी इधर आप हर तरह की काश्त कर सकते हैं। और ये तो मुझे बहुत खूबसूरत ये लगा था, इसलिए मैंने कहा कि चलें जी इसकी हम मूवी बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और आप देखते ही होंगे भैया, आपके भी इर्द गिर्द खेतों में ये साग के पौधे उगे होंगे। लेकिन बस बताने का मकसद ये है कि जी पाकिस्तान में अल्लाह की दी हुई बहुत ज़्यादा नेमतें हैं, बहुत ज़्यादा नेमतें हैं, लेकिन इंसान ना शुक्रा हो जाता है, ठीक है। और इसको सही तरह यूटिलाइज़ भी नहीं किया जाता। इतनी मादनियात है, नमक इधर है जी, कोयला इधर है, ठीक है। ज़मीन में आप अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़रखेज़ है कि आप हर चीज़ उगा सकते हैं इसमें, लेकिन बस फिर भी बहरान क्रिएट किए हुए हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, मेरे चैनल को लाइक शेयर वगैरह करते रहें, ठीक है। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखा दूं। चलें जी हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। इतने से एरिया में ये काश्त की हुई थी, बाकी ये देखें जी उधर भी जूम करके, वो भी खेत हैं, ठीक है। और
उस साइड पे भी खेत हैं। ठीक है, मैंने चारों तरफ घुमा के दिखा रहा हूँ आपको, देखें माशाल्लाह। और बड़ी प्यारी सुबह है सर्दियों की। हम थोड़ा सा चलें जी, अल्लाह हाफिज़। बाकी मेरी वीडियोस को इसी तरह लाइक शेयर करते रहें, प्यार मोहब्बत देते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।